एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ आपकी श्रेया। वेलकम बैक टू माय चैनल मीटू डॉट बोनू। सो गाइस, अभी इवनिंग का टाइम है। मैं अब भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल भाई का था बर्थडे, उसका तो सेलिब्रेशन हो गया, तो थोड़ा मॉर्निंग से टायर्ड थी, तो अभी फ्री हुई हूँ, तो अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई का जो बर्थडे का सेलिब्रेशन, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी वो गया है अपने फ्रेंड लोग को पार्टी देने के लिए। कल उसका फ्रेंड लोग उसको सेलिब्रेशन किया, मतलब उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके बाद आज वो पार्टी दे रहा है अपने फ्रेंड लोग को। तो अभी मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बोला कि मुझे दिखाना था आप लोगों को। तो मैंने बोला उसको कि मैं आऊँ, तो उसने कहा कि नहीं अभी मत आओ, मैं कॉल करूँगा तब आना। तो मैंने चल ठीक है, तो मैं दिखाऊँगी, जब मैं उसके पास जाऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो क्या क्या कर रहा है। तो गाइस, जब तक मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, तब इवनिंग का टाइम, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं इवनिंग को टी पीती ही पीती हूँ। तो चलिए, मैं इवनिंग का टी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर वो कॉल करता है, तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि मतलब जो भाई मुझसे 7 इयर्स छोटा है, वो भाई अब मतलब फ्रेंड लोग के साथ पार्टी वार्टी कर रहा है। तो एक होता है ना कि इतना छोटा था, अचानक इतना बड़ा हो गया, तो अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रहा है, और थोड़ा सा मतलब क्या बोले, एक्साइटमेंट हो रहा है कि कैसे बनाएगा, क्या बना रहा है, क्या पार्टी कर रहे हैं उन लोग। तो चलिए, अभी फ़िलहाल इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के बज रहे हैं 6, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर जाती हूँ उसके पास। वो कॉल करेगा तब जा पाऊँगी, अभी तो मना किया, बोलता अभी मत आना, तो अभी तो नहीं जा पाऊँगी। तो उसको कॉल का वेट करती हूँ, तब तक चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को उसके कॉल आने के बाद। सो हे फ्रेंड्स, मैं आई हूँ भाई लोग का जहाँ पे हो रहा है पार्टी, तो वहीं पे मैं आई हूँ। तो दिखाती हूँ कि इन लोग का क्या क्या प्लान है। यार मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी प्लान हो सकता है इन लोग का। तो आइए चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। का पार्टी अभी और अधूरा बाकी है, तो उन लोग का भी चल रहा है, अभी बना नहीं है कुकिंग। तो मैं जा रही हूँ अभी घर क्योंकि अभी उन लोग का आधा अधूरा काम हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से डिस्टर्ब हो। तो अच्छा लगा, थोड़ा सा घूम के आई, उसके बाद बुलाया मुझे अभी बाद में। तो चलिए अभी चलती हूँ घर। भाई का जब कॉल आएगा फिर से, तो मैं फिर जाऊंगी उसके पास। तो अभी मुझे भेज दिया, बोलता है दीदी तुम घर जाओ, तो मैं घर आ गई। तो अब मैं मिलूंगी फिर, वो जब मुझे कॉल करेगा तब मैं जाऊंगी उसके पास फिर रिटर्न। तो अभी चलिए, थोड़ा सा जो काम है मेरा वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी लोग के पास। तो अच्छा लगा, उन लोग का पार्टी बहुत अच्छा सेलिब्रेट, मतलब अच्छे से उन लोग ये कर रहा है। तो अब देखते हैं कि और जो बनाने वाला, अभी तो वो राइस बनाया, चिकन बनाएगा, तो राइस और चिकन का पार्टी चल रहा है उन लोग का। तो राइस तो हो रहा था और चिकन था, बट वो बना नहीं था। तो जब चिकन बनाएगा तब वो मुझे बुलाएगा, तो अभी जब तब मैं जाऊंगी। तो चलिए फिलहाल अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा जो मेरा काम है वो सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर उसका कॉल आएगा, फिर जाऊँगी। सो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो ऑसम होने वाला है एकदम, क्या ही बोलूँ मैं। तो चलिए, मैं बाद में आपको मिलती हूँ। सो है गाइस, मेरा भाई फिर से मुझे कॉल किया और बुला रहा है, तो चलिए चलते हैं फटाफट।
देखती हूँ चिकन उन लगा रेडी हुआ कि नहीं। तो चलिए दिया मुझे धोखा यही दिया है कि उन लोगों का जो बहुत ही ज़्यादा अभी बज रहे हैं रात के 8, तो अभी तक उन लोगों का जो चिकन है वो बना नहीं है और उधर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और इतने सारे बॉयज़ है तो मैं कैसे जाऊँ। तो इसीलिए तो वो उन लोग के पास मैं और नहीं जाऊँगी इसीलिए तो उन लोग के पास मैं और नहीं जा सकती हूँ तो इसीलिए मैं घर पे चिकन मंगाई हूँ और मैं बनाऊँगी आज चिकन। तो मेरे हाथ का जो चिकन है और मेरा जो रेसिपी है चिकन का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं उतना अच्छा तो नहीं घोषित कर सकती हूँ बट मेरे फैमिली मेम्बर को सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं आज बनाऊँगी चिकन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ चिकन की रेसिपी। तो भाई के पास तो और नहीं गई मैं, तो जितना वीडियो क्लिप मैं कर पाई हूँ तो वो तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट मैं चिकन की तैयारी कर लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं चिकन कैसे बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट दिखाती हूँ आप लोग को। देरी क्यों करे भाई, देरी क्या। तो चलिए आपको मेरा जो चिकन मसाला था, चिकन का जो रेसिपी था वो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आज के लिए गाइस, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मीटू.फोन। सो गाइस बाय।